गॉडफादर फिल्म है, चिरंजीवी सर और सलमान खान के साथ मुझे कॉल आता है एसकेएफ प्रोडक्शन में से, सलमान खान का खुद का प्रोडक्शन है। मेरा किरदार जैसे मेरे लुक से पता चलता होगा आपको, नेगेटिव है। मैंने सुना है कि गॉडफादर फिल्म में भी सलमान खान का कुछ रोल वगैरह है क्या? हाँ, बहुत अच्छा रोल है सलमान भाई का। हमारा 15 दिन का शूट उनके साथ ही था। कि इस दुनिया में दो लोगों की पहचान होती है, या तो आप सबसे बेस्ट हो या तो आप सबसे अलग हो। तो अलग होगा वही पहचाना जाएगा, या तो बेस्ट होगा वो पहचाना जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मनोरंजन की दुनिया एपिसोड 1 में। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपको ऐसी सेलिब्रिटीज से रूबरू करवाएंगे जो हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड और हॉलीवुड से होगी। जी हाँ दोस्तों, आज ऐसी एक शख्सियत हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत फिटनेस से की, उसके बाद उन्होंने मॉडलिंग की, मॉडलिंग से भी नहीं थमे, उन्होंने कई बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया और अब वह टॉलीवुड यानी कि साउथ की फिल्म में नजर आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे शख्सियत का नाम है मोहम्मद उमर। मोहम्मद उमर से ही जानते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। मोहम्मद उमर जी, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। हमारे दर्शकों को ये खास बताइए, आपकी जो ये नई फिल्म आ रही है साउथ में, उसके बारे में जरा थोड़ी जानकारी दीजिए। ये गॉडफादर फिल्म है, चिरंजीवी सर और सलमान खान के साथ। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा कि एक बिग बैनर में काम करने का। यू नेवर नो, जैसे कहते हैं ना कि भाई अल्लाह पाक चाहे तो कुछ भी हो सकता है। तो वैसे तो मैंने काफ़ी सारा काम किया है, पर अचानक मैं एक दिन बैठा हुआ था, मगरिब की नमाज़ पढ़ने जा रहा था और मुझे एक कॉल आता है एसकेएफ प्रोडक्शन में से, सलमान खान का खुद का प्रोडक्शन है, कि सो एंड सो फिल्म है। तो वैसे ही यानी अचानक बोलते ना डेस्टिनी, तो शुरू हो गया वो। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, अच्छा रोल था, अच्छा काम था। तो जरिए से जरिया बनता है वैसा मानता हूँ मैं। तो शुरुआत कहीं से भी हो, कैसी भी हो, बस अंदाज और अंजाम अच्छा होना चाहिए। तो इंशाल्लाह वेट एंड वॉच। गॉडफादर फिल्म का नाम है, इस फिल्म में आपका क्या रोल है? मेरा किरदार जैसे मेरे लुक से पता चलता होगा आपको, नेगेटिव है। तो इस फिल्म में नेगेटिव, इसके पहले भी मेरी एक फिल्म अभी रिलीज पे है, उसमें भी नेगेटिव है कैरेक्टर। जो रिलीज होने वाली है उस फिल्म का नाम और उसके बारे में थोड़ी। अभी वो फिल्म थोड़ा सा नाम का उसका ऊपर नीचे चेंजेस हुआ है, तो बहुत जल्द दिखाई देगी पर्दे पर इंशाल्लाह ताला। और अभी तो OTT प्लेटफॉर्म, इतने सारे वेब सीरीज भी आएगी अभी, तो काम चल रहा है इंशाल्लाह ताला। गुड टू कम। ओके, जैसे आपका कद देख के पता चलता है कि आप विलन के रोल में तो फिट बैठते ही हैं। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। और दूसरी बात यह है कि हमने सुना है कि आप अहमदाबाद में जोहापुरा विस्तार में आपका खुद का एक जिम भी है और आप वहाँ पे जिम चलाते हैं, तो ये कितने सालों से आप जिम चला रहे हैं? मेरा जिम 2006 से है। जैसे मैंने बॉम्बे जाने के पहले भी वर्कआउट किया और बॉम्बे से आने के बाद मेरे को, जैसे मेरे मम्मी डैडी के फोर्स से मैं वापस आया तो मुझे इससे अच्छा कुछ आता नहीं था, तो मैंने जिम स्टार्ट किया और यहाँ की पब्लिक ने बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी दी, सपोर्ट भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे दर्शकों और जो युवा पीढ़ी है अभी, थोड़ी जानकारी इसके बारे में दीजिए कि किस तरह से हम मोटिवेट कर सकते हैं कि जिम जाना चाहिए, एक्सरसाइज क्या करनी चाहिए क्या नहीं, उसके बारे में भी थोड़ा। एक्सरसाइज सबसे पहले ऐसी चीज़ है जो हर इंसान को करनी चाहिए, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। और वैसा बताते हैं कि एज इज़ लाइक चेंज ऑफ नंबर्स, नथिंग एल्स। तो कोई भी एज बैरर नहीं करती है, हर आदमी को वर्कआउट करना चाहिए। अच्छे शेप में रहेगा तो वो खूबसूरत दिखेगा, और जैसे कहते हैं ना कि एक तंदुरुस्ती एक करोड़ नेमत है, तो हेल्थ इज़ वेल्थ। तो हर भाषा में कहें, हर तरीके से कहें, इससे बेहतर और इससे कीमती चीज़ कोई नहीं। एवरीथिंग टेक्स टाइम, थोड़ा सा वक्त लगता है बट बन जाती है हर किसी की। जब मेरी बन सकती है तो किसी की भी बन सकती है। गुजराती कई एक्टर है जो बॉलीवुड में काम कर रहे हैं अभी, तो उनसे आपका कोई ऐसा कोई रिलेशन हो वगैरह? जैसे ऐसे तो मैं काफ़ी सारे आधे बॉलीवुड को जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 2002 से बॉम्बे में ही हूँ,
काफ़ी सारे शोज़ किए मैंने, सारे टॉप डिज़ाइनर्स किए, मनीष मल्होत्रा हो, प्रवोग हो, निफ्ट, बहुत सारे शोज़ किए, कमर्शियल्स किए मैंने, फिल्म की है, ऑफबीट मूवी की है आशिमा बल्ला सीमा विश्वास के साथ, तो रिलेशन तो सबके साथ है बट काम पे ज़्यादा मेरा फोकस रहता है और जिम्मेदारियाँ थोड़ी ज़्यादा है। सलमान भाई, हर एक का सपना होता है कि सलमान भाई को मिले नज़दीक से, क्या आप सलमान खान, मैंने सुना है कि गॉडफादर फिल्म में भी सलमान खान का कुछ रोल वगैरह है क्या? हाँ, बहुत अच्छा रोल है सलमान भाई का, हमारा 15 दिन का शूट उनके साथ ही था, बहुत अच्छे इंसान हैं और बोलते हैं जो अच्छा इंसान होता है वही तरक्की करता है, ज़रूरी नहीं है कि बोलते ना कि हम जो समझते वही सच होता है, बट कामयाब इंसान के पीछे उसकी मेहनत भी होती है और उसकी अच्छाई भी होती है। और एक सवाल, इसके बाद गॉडफादर फिल्म के बाद कोई ऐसी फिल्म के बारे में जो आपकी रिलीज होने वाली हो, जिस पर प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हो, गुजराती कोई फिल्म के जिसमें आपने काम किया हो उसके बारे में थोड़ी? गुजराती फिल्म मैंने नहीं की है, मैंने यहाँ शोज़ किए थे 2006 में, मैं मिस्टर गुजरात जीता था दोबारा, बट ये है कि अभी मैं वैसी बोलते ना काम कर रहा हूँ किसी सीरीज़ पे, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा आपके स्टूडियो में तो ज़रूर बताऊँगा उसके बारे में, अभी ये दो फिल्में आ जाए उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह। तो ये थे मोहम्मद उमर जी, जिन्होंने हमारे आपका न्यूज़ के मनोरंजन की दुनिया के कार्यक्रम में यहाँ पे तशरीफ लाए। तो उमर जी, आपकी आने वाली फिल्म के लिए आपका न्यूज़ की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं, और आगे भी आप इसी तरह तरक्की करें ऐसी हम शुभकामनाएं देते हैं। आमीन 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 इंशाल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच सर, और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आपके स्टूडियो में बुलाने का, और मैं ये दुआ करूंगा कि न्यूज़ चैनल बहुत बड़ा हिट हो जाए। बोलते ना शत्रुघ्न सिन्हा सर का एक डायलॉग है कि इस दुनिया में दो लोगों की पहचान होती है, या तो आप सबसे बेस्ट हो या तो आप सबसे अलग हो, तो अलग होगा वही पहचाना जाएगा या तो बेस्ट होगा वो पहचाना जाएगा। तो मैं आपको बोलते ना बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ आने वाले वक्त के लिए, कि आप बहुत अच्छा यानी करे किसान जो इतनी कम उम्र में इतनी तरक्की की है उसने, बेस्ट ऑफ लक किसान, अल्लाह पाक तुमको कामयाब करे।